शक्तिमान, आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तू कल का दिन नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। एक स्त्री पर हाथ उठाना शक्तिमान के उसूल के खिलाफ है, मगर फिर इससे लड़ूं तो कैसे लड़ूं? प्रतिशोध अधूरा रह गया, प्रतिशोध की देवी विडालिनी, मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया। मेरी बहन का कातिल रंजीत सिंह का बेटा मेरी हाथों से बच गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता शैतान बिल्ली, ये नहीं हो सकता। अब मैं महामहिम तमराज खिलविश को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी मैं उनसे? वो मुझे दोबारा पत्थर की मूर्ति बना देंगे। नहीं, ऐसा मत होने देना शैतानी बिल्ली, ऐसा मत होने देना। मुझे और शैतानी ताकत दो, मुझे ताकत दो शैतानी बिल्ली, मुझे और शैतानी ताकत दो। माफी, माफी, माफी दमराज किलविश, माफी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी महामहिम, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई थी। इस बार शक्तिमान मेरे हाथों से बच गया महामहिम, लेकिन लेकिन मुझे मुझे एक मौका और दीजिए। मैं शक्तिमान से बदला लेना चाहती हूँ। मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है महामहिम, मुझे मुझे बस एक मौका और दीजिए। मैं फिर से शैतानी बिल्ली की साधना करूंगी, और इस बार शैतानी ताकत मिलते ही मैं शक्तिमान को मार दूंगी महामहिम, मैं उसे जरूर मार दूंगी महामहिम, मैं उसे जरूर मार दूंगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए महामहिम, बस एक मौका और। रहम रहम महामहिम, रहम, मुझे माफ कर दीजिए महामहिम, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए महामहिम, बस एक मौका। मगर ये आखिरी मौका होगा शलाका जी, जो हुक्म। उठो,
ये देखो। ये क्या है महामहिम? मेरे पाप पुंज का टुकड़ा है ये शलाका, और यही शक्तिमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। शक्तिमान इस टुकड़े का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे निकलने वाली पाप किरणों से वो बेबस, लाचार और कमजोर हो जाता है। तुम किसी भी तरह दोबारा उससे मिलो, और शक्तिमान से सामना होते ही ये टुकड़ा उसके सामने कर देना। शक्तिमान इसे देखते ही जिंदा लाश की तरह हो जाएगा, और तुम उसे आसानी से मार सकोगी। ले लो। ठीक है महामहिम, मैं तुम्हें शैतानी बिल्ली की ताकत भी वापस देता हूं। तुम्हें किसी भी देवी देवता और पवित्र गंध से बचना होगा, मगर ध्यान रहे, इस बार दोबारा गलती मत करना। अब दोबारा ये गलती नहीं होगी महामहिम। अगर हुई तो अंजाम तुम्हें मालूम है, शैतानी बिल्ली। इसे अपनी ताकत वापस लौटा दे। शलाका, जाओ और जाकर अग्नि कुंड के पास बैठ जाओ। शैतानी बिल्ली तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दे देगी। रहे शलाका, इस बार मुझे शक्तिमान की मौत चाहिए। इस बार आपको एक खुशखबरी मिलेगी महामहिम। अंधेरा कायम रहे हमेशा। अंधेरा कायम रहेगा महामहिम। शक्तिमान, आखिर वो बिल्ली कौन थी? हमारा कैमरा यहीं कहीं होना चाहिए। देवी जी, ओह माय गॉड, क्या हो गया? अप्पू, ये सब क्या हो गया गंगाधर? ओह माय गॉड, गंगाधर वो देखो। शक्तिमान, मेरी बहन की मौत का बदला। वो अपनी बहन की मौत का बदला मुझसे क्यों लेना चाहती है? शक्तिमान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर मुझे बदनाम करने की साजिश। शक्तिमान हमारी कार के पास चलकर आया
और हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने खूबसूरत लड़की बन गया। जी हाँ यौराना, खूबसूरत लड़की बन गया, पर इससे पहले कि हम कुछ कर पाते वो एक खूंखार बिल्ली बन गया और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया। हाँ यौराना, उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया, मैं डर के मारे वहां से भागा और उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता यौराना, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद दूसरे दिन पुलिस को वहां से इनके दोस्त राजेश की लाश मिली, एक जंगली जानवर के पंजे से बुरी तरह से नुची हुई लाश। लेकिन योर ऑनर, गौर करने वाली बात यह है कि उस लाश के आसपास कहीं भी किसी भी जंगली जानवर के पंजे के निशान नहीं थे, यानी कि वो जानवर मायावी था योर ऑनर, यानी कि वो जानवर शक्तिमान था, वो जानवर शक्तिमान था योर ऑनर, वो जानवर शक्तिमान था, यकीनन था। अब वक्त आ गया है जबकि मुझे जाकर गीता की रिपोर्ट की सच्चाई का प्रूफ दे देना चाहिए। शुभ प्रभात दूरध्वनि देवी जी। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात कामिनी जी। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात गंगाधर जी। शुभ प्रभात बांके जी, आज तो अच्छी चाय पिलाएंगे ना आप? जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध दूध की चाय बना कर लाते हैं आपके लिए। थोड़ा सा पानी चलेगा, डाल देंगे। शुभ प्रभात एक बूंद अमृत जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वणक्कम वणक्कम स्वामी जी। वणक्कम गंगाधर जी, आई एम वेरी बिजी, हैव टू कंप्लीट दिस। हाँ करिए करिए, काम करते रहिए, प्रमोशन मिलेगा। हम और बंधु, गुड मॉर्निंग के शुभ प्रभात के नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या बात है गंगाधर जी, आप खाली कुर्सी को देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने सबको नमस्कार किया, अगर मुझे भी कर लेते तो मैं भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता। अजी आपको तो हम बधाई देने वाले, सुना है कि आपकी बर्बादी, मेरा मतलब है कि आपकी शादी हो गई है। हाँ, लेकिन बहुत दुख हुआ कि आप आए नहीं। हाँ वो देवी जी ने हमें किसी कार्य वर्ष भेज दिया था, वो बच्चे बच्चे तो घर में सब ठीक है ना? बच्चे? ये हिंदुस्तान है गंगाधर जी। आप बड़े विनोदी हैं, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत नहीं, दो या तीन बस। बस। चलो देर तो हो गई थी, परंतु देवी जी से पहले आ गए हम, अब आने दो उनको, लेक्चर देंगे उन्हें। ऑफिस में देर से आना बुरी बात है। गंगाधर जी क्या सोच रहे हैं? सोच सोच सोच। हाँ वो क्या है ना कामिनी जी, वो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि सोचने से हमारे मस्तिष्क की वो ज्ञानेंद्रिया होती है ना, वो स्फुरित हो जाती है। वो देवी जी नहीं आई? देवी जी गीता? हाँ? वो तो आकर चली भी गई। चली गई कहाँ? टीवी सेंटर, आज टीवी पर उसका इंटरव्यू आना है ना। टीवी में उनका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार? हमारे बगैर वो साक्षात्कार देने गई हैं? ये तो घोर अन्याय है। लेकिन वो आपके लिए एक मैसेज छोड़ के गई हैं। मैसेज कहाँ है? अभी देती हूँ। आज रात टीवी पर मेरा इंटरव्यू आ रहा है, तुम उसे जरूर देखना। तुमने अगर शक्तिमान की फोटो खींच कर दी होती तो तुम्हें भी साथ ले चलती। आशा है कि इस घटना से तुम कुछ सीखोगे। तुम्हारी शुभचिंतक गीता। तो देवी जी का इंटरव्यू आने वाला है टीवी पर, फिर तो टीवी देखना ही पड़ेगा। नमस्कार। इन दिनों देश भर में शक्तिमान को लेकर तरह तरह की अफवाहों के फैलने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। शक्तिमान को लेकर फैलने वाली अफवाहों में से एक अफवाह थी शक्तिमान का बिल्ली बनकर लोगों को मारना। ये अब तक शक्तिमान के खिलाफ फैलने वाली अफवाहों में से सबसे बड़ी अफवाह थी। इस अफवाह का खंडन कल अदालत में हो गया जब ये पता चला कि शक्तिमान बिल्ली नहीं है। हमने आज इसी विषय को बातचीत का मुद्दा बनाकर एक ऐसी हस्ती को अपने स्टूडियो में बुलाया है जो शक्तिमान के विषय में हमें सबसे ज्यादा जानकारी दे सकती है। उस हस्ती का नाम है गीता विश्वास। तो चलिए मिलते हैं गीता विश्वास से। नमस्ते।
मिस गीता विश्वास, आप शक्तिमान के काफी करीब समझी जाती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आखिर कौन है वो लोग जो शक्तिमान के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? You're right. शक्तिमान को सबसे ज्यादा मैंने ही जाना है। उसके आदर्शों को एक फॉलोवर की तरह समझा है मैंने। अब रहा शक्तिमान के अफवाहों को फैलाने का, मैं ये तो नहीं बता सकती कि उन लोगों का नाम क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि वो लोग जो भी हैं, शक्तिमान के खिलाफ है, उसके आदर्शों के खिलाफ है, उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन उस मायावी बिल्ली के विषय में आप क्या कहेंगी? कौन है वो और शक्तिमान से उसकी क्या दुश्मनी है? ये गुत्थी तो अभी मेरी भी समझ में नहीं आई है। वो बिल्ली जो भी है, वो शक्तिमान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। अपनी बहन की मौत का बदला? जी हाँ, उसने फ्रेंड्स क्लब में शक्तिमान के नाम एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि वो शक्तिमान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। अब ये बिल्ली कौन है, उसकी बहन कौन थी, ये सब चक्कर क्या है, इसका पता अभी तक चला नहीं है। क्या शक्तिमान भी नहीं जानता? मुझे नहीं पता, शक्तिमान ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है। आप शक्तिमान की पिछली जिंदगी के विषय में क्या जानती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्ली की बहन को शक्तिमान ने बहुत पहले मारा हो? जी नहीं, शक्तिमान ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शक्तिमान की सच्चाई को मैं जानती हूँ। मिस गीता विश्वास, हो सकता है आप सच कह रही हूँ, लेकिन आज के इस मशीनी युग में जहाँ लोग दिनों दिन भौतिकता की ओर बढ़े जा रहे हैं, वहाँ आपकी इन बातों पे कौन विश्वास करेगा? ये तो आस्था की बात है, जिसे सच पर विश्वास होगा वो मेरी बात पर जरूर विश्वास करेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिस गीता विश्वास, आपने शक्तिमान से जुड़ी इन बातों को अपने अखबार में क्यों नहीं छापा? क्योंकि मेरे पास मेरी रिपोर्ट का प्रूफ नहीं था। प्रूफ? कैसा प्रूफ? यही प्रूफ कि शक्तिमान खुद आकर मेरी इन बातों की गवाही दे, या फिर उसके साथ खींची हुई मेरी कोई फोटो हो। तो आप अब तक शक्तिमान के साथ अपनी खींची हुई फोटो भी नहीं जुटा पाई? जी नहीं। ओके मिस गीता, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द प्रूफ इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट छापिए ताकि जनता को शक्तिमान की सारी बातों का पता चल सके। थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, आप भी थोड़ा संभल के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो शक्तिमान तक पहुंचने के लिए बिल्ली आपके पीछे पड़ जाए। ठहर गए ना दीदी? ठहर बदमाश, मुझसे शरारत करता है, मुझसे शरारत करता है। अब मैं बताती हूँ तुझे, ठहर, अब बताती हूँ। नहीं नहीं, अब बच के कहाँ जाएगा बच्चू? म्याओ। हाँ, मुझसे म्याओ करता है, मुझसे म्याओ करता है। बच तो अब तू नहीं सकती मेरे हाथों से।